फरार हिस्ट्री शीटर के भांजे ने कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह को दी एनकाउंटर की धमकी। सोशल मीडिया पर धमकी का वीडियो वायरल। बीजेपी नेता की मांग, धमकी देने वाले पर लगे रासुका। विधायक कुलदीप सेंगर मामले में तत्कालीन एसपी डीएम दोषी पाए गए। सीबीआई के दाखिल रिपोर्ट में हुआ खुलासा। रेप के आरोप में जेल में बंद है कुलदीप सेंगर। गैंगस्टर विकास दुबे के गुर्गो जय वाजपेयी की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई जारी। प्रशासन ने 3 लग्जरी गाड़ियां और 1 फ्लैट जब्त किया। इससे पहले 4 घरों को किया था जब्त। आगरा कलेक्ट्रेट में महिला ने बच्चों समेत किया आत्मदाह का प्रयास। एसएसपी कार्यालय के सामने डाला केरोसिन तेल। न्याय के लिए भटक रही है पीड़ित महिला। कानपुर में लव जिहाद का मामला आया सामने। नाम बदलकर किराए के मकान में रह रहे लड़के ने शादी का झांसा देकर 2 साल तक लड़की का किया शारीरिक शोषण। अपराधी तार बाबू यादव पर देवरिया पुलिस का बड़ा एक्शन। 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क करने का आदेश। शराब पशु तस्करी जैसे संगीन मुकदमे हैं दर्ज। कुलदीप सेंगर मामले में तत्कालीन एसपी डीएम दोषी पाए गए हैं। सीबीआई की दाखिल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। रेप के आरोप में जेल में बंद है कुलदीप सेंगर। गैंगस्टर विकास दुबे के गुर्गे जय वाजपेयी की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने 3 लग्जरी गाड़ियों और 1 फ्लैट को जब्त किया है। इससे पहले 4 घरों को भी जब्त किया गया था। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। रिश्तेदार ने विधायक पत्नी और बेटे पर दर्ज कराया था केस। इस वक्त चित्रकूट जेल में बंद है बाहुबली विधायक विजय मिश्रा। अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्रा ने राम जन्मभूमि में तैयारियों का जायजा लिया है। आज से शुरू हो सकती है नींव की खुदाई। नृपेंद्र मिश्र के साथ L&T कंपनी का अधिकारी भी मौजूद। ट्रस्ट के कई सदस्य नृपेंद्र मिश्रा के साथ मौजूद हैं। प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह को मिली धमकी। फरार हिस्ट्री शीटर के भांजे ने एनकाउंटर की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर धमकी का वीडियो वायरल हो रहा है। सपा नेता सभापति यादव पर कई मामले पहले से दर्ज हैं। चंदौली में धानापुर थाना क्षेत्र में चेता दुबे गांव में सैनिक का पार्थिव शरीर घर आने के बाद नाराज परिजनों ने थाना चौराहा पर जाम लगा दिया और सैनिक का उचित तरीके से शहीद घोषित करते हुए संस्कार करने की मांग की। अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान सांसद साक्षी महाराज, कहा कुवैत पाकिस्तान दुबई से मुझे धमकी भरे फोन कॉल आते हैं। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ। अयोध्या में राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा की मुक्ति का फैसला। बलिया के मनियर थाना क्षेत्र के रिगवन ग्राम पंचायत में कोटे की दुकान आवंटन के मामले में ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी रमेश कुमार यादव और सचिव दीप चंद को बंधक बनाया। सूचना के बाद पहुंचे थानाध्यक्ष मनियर नागेश उपाध्याय की सूझबूझ से मामले को शांत करवाया गया। ग्राम पंचायत रिगवन में डीएम के निर्देश पर कोटे की दुकान की खुली बैठक कराकर सहायता समूह के सक्रिय सदस्य को आवंटित करनी होगी दुकान। कानपुर में हुक्का बार का खुला कारोबार। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने की छापेमारी। छापेमारी में भारी मात्रा में हुक्का बरामद। पीलीभीत में राजस्व विभाग के हाथ बड़ी सफलता लगी है। अवैध रूप से खनन कर रहे 2 जेसीबी 2 डंपर जब्त की गई है। कई दिनों से चल रहा था अवैध खनन।
मेरठ में बन रहा था मौत का सामान, पुलिस के महाअभियान में अवैध हथियारों की बड़ी खेप बरामद, सलाखों के पीछे 140 बदमाश। कानपुर के जूही यार्ड में यूएई से कबाड़ में आई मिसाइलें, कबाड़ में 7 जेविस 70 मिसफायर मिसाइलें मिली हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने 15 सितंबर तक मिसाइलों को डिफ्यूज करने के दिए आदेश। कासगंज में बंदरों का आतंक देखने को मिला, सैकड़ों बंदरों ने मोर को बनाया शिकार, बाद में लोगों ने मोर को दफनाया। मथुरा बरेली राजमार्ग बस स्टैंड की घटना। अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए, पकड़े गए बदमाश पेशेवर लुटेरे और झपटमार हैं। ग्रेटर नोएडा के अजनारा ली गार्डन में हत्या का मामला सामने आया है, घटना से पहले 2 संदिग्धों के सीसीटीवी भी सामने आ चुके हैं, 2 युवकों की गोली मारकर हुई थी हत्या। वारदात से पहले सोसाइटी के अंदर घूम रहे थे संदिग्ध, सीसीटीवी के आधार पर कातिलों की तलाश में जुटी है पुलिस, बदमाशों ने सोसाइटी में घुसकर की थी हत्या। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में विवाहिता का शव ससुराल में लटका हुआ पाया गया, बताया जा रहा है कि काजल नाम की इस महिला ने सुसाइड कर दिया, महिला की उम्र करीब 26 साल थी। हरदोई ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है, पुलिस ने एक और आरोपी को किया है गिरफ्तार, अब तक 3 आरोपियों को जेल भेज चुकी है पुलिस। प्रतापगढ़ में नाबालिग के साथ गैंग रेप, आरोपियों ने अगवा कर बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। हरदोई में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रक और टेम्पो की आमने सामने से टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग जख्मी। लखीमपुर खीरी में बाइक से गिरे मां बेटी को ट्रक ने रौंदा, हादसे में 2 की मौके पर मौत, सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। मुरादाबाद में बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। उत्तराखंड में 25,436 कोरोना के मामले, प्रदेश में 7,965 एक्टिव मामले हैं, 17,046 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं कोरोना से, 348 लोगों की मौत। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। यूपी का एक ऐसा कद्दावर नेता जिसकी सत्ता के गलियारों में ऐसी पैठ की पुलिस से लेकर प्रशासन तक उसके आगे नतमस्तक रहता है। 90 के दशक से अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला ये शख्स धीरे धीरे सियासत का बड़ा चेहरा बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर की, जिसके रसूख के आगे क्या नेता क्या अफसर सब बौने हो गए। उनके नाम क्राइम की फाइलों का अंबार खड़ा होता चला गया, लेकिन कभी वो सलाखों के पीछे नहीं गया। डीएम से लेकर एसपी तक उसके मददगार बने। उन्नाव गैंगरेप केस की जांच कर रही सीबीआई की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि कुलदीप सेंगर के रसूख के आगे तत्कालीन डीएम अदिति सिंह ने कोई एक्शन नहीं लिया, साथ ही तत्कालीन एसपी नेहा पांडे और उसके बाद उन्नाव में तैनात रही तत्कालीन एसपी पुष्पांजलि ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, जब पीड़िता के पिता के साथ मारपीट की गई तो केस दर्ज कर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित के पिता को ही जेल में डाल दिया जाता है, जहां उसकी मौत हो गई। इसमें तत्कालीन डीएम और एसपी की भूमिका पर सीबीआई ने कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। तो आपको यह बता दें कि इस पूरे मामले में ये तीनों ही अधिकारियों को दोषी माना गया है, लापरवाही का दोषी सीबीआई की तरफ से इन तीनों ही महिला अधिकारियों को माना गया है। इनमें उस वक्त की डीएम रही अदिति सिंह शामिल है और उसके साथ साथ अन्य 2 अधिकारी ये भी दोनों शामिल हैं। इन तीनों को ही उस वक्त जिस तरह से कुलदीप सेंगर का ये मामला सामने आया था उसको लेकर लापरवाही का दोषी सीबीआई की तरफ से इन तीनों को माना गया है और यही कारण है कि सीबीआई ने इन तीनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यानी कि रसूख में उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, ये तीनों ही दोषी माने गए हैं। तो आपको ये बता दें कि कुलदीप सेंगर केस में तत्कालीन एसपी और डीएम दोषी पाए गए हैं सीबीआई की तरफ से। दरअसल ये साफ कर दिया गया है कि तत्कालीन डीएम अदिति सिंह, जो अभी हापुड़ की डीएम है, वो इस मामले में दोषी पाई गई हैं और इसके अलावा 2 अन्य अधिकारी भी इस मामले में दोषी पाए गए हैं। तो आपको ये बता दें कि जिस तरह से इस मामले में सीबीआई की तरफ से यह जांच की गई है,
तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसी बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पूर्व आईपीएस राजेश रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता लखनऊ से विजय मिश्रा भी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले विजय मिश्रा, मैं आपका ही रुख करूंगी। जिस तरह से ये खबर सामने आई है, आज कई खुलासे इस मामले में एक के बाद एक हो रहे हैं। डीएम आदित्य सिंह, उस वक्त डीएम थी उन्नाव की, उन पर दोषी वो पाई गई है लापरवाही की। उसके अलावा दो अन्य अधिकारी भी हैं जो दोषी पाई गई हैं। एक तरफ योगी सरकार कोशिश कर रही है कि अपराध को उत्तर प्रदेश से दूर किया जाए, नकेल कसी जाए, लेकिन यही अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कुलदीप सिंह सेंगर, जाहिर सी बात है कि भाजपा से विधायक रहे हैं और जिस समय पूरी जांच की बात कही जा रही है, उस समय भी सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक ये रहा कि डीएम भी महिला थी, एसपी भी महिला थी, यानी तीन तीन महिला अधिकारी होने के बावजूद गैंग रेप जैसी घटना या महिला के साथ हुई अत्याचार के मामले पर इन महिला अफसरों का कोई भी एक्शन न लेना, ये सबसे ज्यादा इस पूरे घटनाक्रम में आश्चर्यजनक है। जाहिर सी बात है कि सीबीआई ने इस पूरे मामले पर अपनी जांच कंप्लीट की है और जांच कंप्लीट करने के बाद यहां पर इन तीनों ही महिला अफसर को दोषी पाया गया है। तो सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक यही लगता है कि अगर महिलाएं आईएएस बनती हैं, आईपीएस बनती हैं या इस तरह के किसी कैडर के अधिकारी तैयार होती हैं, तो कम से कम उन्हें, जाहिर सी बात है कि उन्हें सब तरह के अपराधों को रोकना चाहिए। कहीं पर भी अगर इस तरह की चीजें हो रही तो उसे जरूर रोकना चाहिए और किसी भी अफसर को रोकना चाहिए। लेकिन आश्चर्यजनक तब और भी ज्यादा हो जाता है कि एक महिला होकर के भी, एक महिला के मन की पीड़ा को न समझ पाना, एक महिला होकर के महिला के साथ हुई इस तरह की घटना के होने के बावजूद, अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचने के बावजूद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करना, यह सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक है। और जाहिर सी बात है कि इसी वजह से इस पूरे मामले पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं इन महिला अफसरों पर कि आखिर आप अफसर जैसे, यानी इतनी बड़ी पोस्ट पर आप पहुंचते हैं, इतनी मेहनत करके इस पोस्ट पर पहुंचते हैं, एक संकल्प होता है आपका इस पोस्ट पर पहुंचने के बाद, एक कसम आप खाती हैं, लेकिन महिला होते हुए भी एक महिला के खिलाफ इस अत्याचार को लेकर के आपकी तरफ से कार्रवाई न करना, जाहिर सी बात है कि मुझे शर्म आती है ऐसे महिलाओं को अफसर कहने में, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी अफसरी किस काम की, आपके इतने बड़े पद पर बैठना किस काम का कि आपने एक महिला का भी दर्द न समझ सकी। जाहिर सी बात है कि यहां पर दोषी बहुत सारे लोग पाए जाएंगे और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी बहुत सारे अफसर इस पूरे मसले पर सवाल खड़े होंगे। अष्टभुजा सिंह को भी यहां पर सीबीआई ने जांच के घेरे में लिया है, उनके खिलाफ भी यहां पर सिफारिश की गई है कार्रवाई की। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा इन तीनों महिला अधिकारियों पर उठता है कि आखिर इन लोगों ने उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की। और जाहिर सी बात है कि इसमें प्रमोशन पाकर के सभी अच्छे अच्छे पदों पर है, कोई हापुड़ में है तो कोई केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, कोई रेलवे बोर्ड पहुंच गया है, लेकिन जाहिर है कि इनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कम से कम संदेश जाए कि यहां पर सिर्फ पद या ऐसे पद सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं होते बल्कि काम करने के लिए भी होते हैं और कम से कम महिला होते हुए महिलाओं की आवाज तो आप सुनिए, नहीं तो इतने बड़े पद पर पहुंचने का आपका कोई फायदा नहीं। राजेश राय जी, एक महिला अधिकारी ही महिला का पीड़ा नहीं समझ पाती है, वो महिला गुहार लगाती है, लेकिन ये तीनों ही महिला अधिकारियों की लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि इन तीनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए? हालांकि आपूर्ति इस वक्त है डीएम आदित्य सिंह, लेकिन आप यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करिए कि कैसे एक महिला जब उस वक्त पहुंची होगी एक महिला अधिकारी के पास ही, लेकिन वो उसका दर्द नहीं समझती है। क्या आपको नहीं लगता कि स्ट्रांग एक्शन की जरूरत है यहां पर इन तीनों महिला अधिकारियों पर? बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रांग एक्शन की जरूरत है। सीबीआई ने उसमें रिकमेंड किया है तो सीबीआई के नजर डालनी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा। तो बात सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये मैं इस बात से सहमत हूँ कि महिला है तो उनको महिलाओं का और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि जब आप एक एक इम्पॉर्टेंट कुर्सी पर आप बैठे हो, जो न्याय की कुर्सी है, जो लोगों के वेलफेयर की कुर्सी है, तो उस कुर्सी पर बैठने के बाद फिर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, आप मिसेज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मिस्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं हो आप न तो वहाँ स्त्री हो न पुरुष हो। महत्वपूर्ण ये है कि आप जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठे हो, और जब आप जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठे हो या एसपी की कुर्सी पर बैठे हो, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी बन जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के, दुखदा लेकर के, आपत्ति को लेकर के, अपने साथ हुई घटना जो हुई है, हृदय बिगाड़ा कुछ घटना को लेकर के आपके सामने आता है, तो आप कम से कम एक काम, अगर केवल एक काम, केवल एक काम अगर टीम के तीनों लोग कर सकते होते कि जो वो अपनी व्यथा लेकर के आ रहे थे उस व्यथा को लिखवा देते, उसका उसका केस लिखवा देते, उसकी जांच करा लेते कायदे से, जांच में जो मतलब, लेकिन वो इतना ज्यादा प्रभाव में थे, उन्हें ये लगता था कि जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ कि आज की तारीख में तो ना जो है पुष्पांजलि सिंह और ना नेहा पांडे, दोनों जिले में कहीं कप्तान नहीं है,
तो अगर वो कप्तान नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आईपीएस नहीं है। बिल्कुल, तो जहाँ भी है प्रतिनियुक्ति पर है तो वहाँ पर भी वो एसपी है और जहाँ दूसरे जिले में है वहाँ भी वो डीएम है, तो उनका जो स्टेटस है जो न्याय की कुर्सी पर बैठने का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो एक तात्कालिक लोभ है कि मैं यहाँ से कहीं तरह तबादला न करवा दें क्योंकि विधायक जी जो है बहुत महत्वपूर्ण है और वो ऊपर उनकी सुनी जाएगी, इस डर से या पता नहीं किस भय से अगर उन्होंने जो विक्टिम है अगर उसकी बात नहीं सुनी तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। सुनना चाहिए, सुन करके उनको न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उन्होंने सुना होता, न्याय दिलाने की कोशिश की होती तो न भी अगर न्याय दिला पाई होती लोग तो कम से कम उनके प्रयासों को तो लोग सराहते कि नहीं उन्होंने कोशिश किया, इन्होंने मुकदमा भी कायम कराया, तफ्तीश में दरोगा ने गड़बड़ किया, माखी के दरोगा ने गड़बड़ किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, एडिशनल एसपी ने जांच सही नहीं की उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। लेकिन कम से कम ये जो छींटे उनके ऊपर पड़े तीनों लोगों के ऊपर ये न पड़ गए। और अफसोस की बात ये थी कि एक एक एसपी जो है वो लेडी थी और उन्होंने नहीं सुना और उनके जाने के बाद फिर दोबारा जो लेडी आई वो भी एसपी लेडी थी और उन्होंने भी उस महिला की बात नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी, क्यों उस पर अविश्वास करते रहे? या तो नियम ये कहता है, कानून ये कहता है कि अगर आप किसी की बात पे अविश्वास भी कर रहे हो लेकिन अगर एक यंग लड़की एक महिला कोई आकर के आपसे कह रही है कि मेरे साथ ये घटना हुई है जी। तो आपको उससे FIR कायम करनी चाहिए। अगर आपको डर लग रहा था, कोई आपको चिंता लग रही थी, आप भयभीत थे, तो आप अपने अधिकारियों से बात कर लेते, आप अपने DG से बात कर लेती हैं, अपने DIG से बात कर लेती हैं कि सर ऐसी बात आ रही है विधायक के खिलाफ, ये बात बार बार आ रही है और हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं मुकदमा लिख लो, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बता देंगे। तो इसमें जो जिस तरीके से भी वो व्यवहार लोगों ने किया है वो व्यवहार सर्वथा अनुचित था। उस समय भी जिस समय ये घटना हुई सामने और CBI को ट्रांसफर हुआ उस समय भी ये बात बहुत अपेरेंट थी, बहुत स्पष्ट लग रही थी कि वहाँ जिले के जो SP हैं, DM के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी उस समय तक कि उनका भी कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जिले की दोनों जो SPs हैं उनके बारे में उस समय भी ये लगता था कि इन लोगों ने जो इन्हें करना चाहिए था, जो इनकी जिम्मेदारी थी, जो इनसे अपेक्षित था, जो इनका कर्तव्य था, जो बतौर SP के नाते इन्हें करना चाहिए था, उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं जो सफलता आनी चाहिए थी वो नहीं आई, इनके अंदर वो दृढ़ता नहीं आई, दृढ़ प्रतिज्ञता नहीं आई, वो इस बात के लिए तय नहीं कर सकी अंदर से, अंदर अंदर एक हौसला नहीं आया कि हमें न्याय देना है, सही काम करना। बिल्कुल, और इस मानसिकता को दूर करने की जरूरत है। अगर आपके अंदर तबादले का डर है तो उसे आपको दूर करना होगा, आपको सच्चाई के साथ खड़ा होना होगा क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आप खुद अधिकारी हैं और आप इस तरह की अगर ये जिस तरह से खुलासा हुआ है इस मामले में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज सिन्हा जी मनोज मिश्रा जी जो लगातार बने हुए हैं आपके पास में आ रही हूं। देखिए जिस तरह से जिक्र किया है यहां पर हमारे साथ राजेश राय जी ने भी कि उन्हें डर था कहीं ना कहीं तबादला हो जाएगा, उन्होंने कहा कि उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए थी अगर इस तरह का कोई डर था, लेकिन यहां पर जरूरत है कि इस डर को आपको दूर करना होगा, आपको सच के साथ ही खड़ा होना होगा। एक महिला आपके पास आती है, वो गुहार लगाती है, लेकिन आप यहां पर अपराधियों का संरक्षण करते हुए नजर आते हैं, अपराध का बचाव करते हुए नजर आते हैं। आकांक्षा जी, राजेश राज जी वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, कई जिलों में दो पदों पे नियुक्त रहे हैं, इनको बेहतर पता है। अब मैं बात कर लूं इस विषय पर, शायद आपका संपर्क ठीक से हमारे साथ आवाज आपकी पूरी तरह से नहीं आ रही है मनोज मिश्रा जी, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय मिश्रा लगातार बने हुए हैं। विजय, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि लगातार योगी सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से अपराध को खत्म किया जाए, लेकिन यहाँ पर ये तीन महिला अधिकारी जिनका खुलासा हुआ है इस पूरे मामले में, जो CBI की तरफ से भी कार्रवाई की मांग की जा रही है इन तीनों ही अधिकारियों के ऊपर, यहाँ पर बहुत जरूरत है कि इन पर कार्रवाई की जाए, इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आगे के लिए तमाम अधिकारियों तक पहुंचेगा। बिल्कुल, मुझे याद है मैं कुलदीप सिंह सेंगर को मैंने कवर किया था, उन्नाव जाकर के मैंने कवर किया था और हम लोग वहां पर कई दिन थे और ये चीज हमें देखने को मिली थी कि किस तरह का सहयोग वहां पर। मनोज जी आपकी आवाज मिल पा रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। सरों का पूरा सहयोग उन्हें मिल रहा था। आपकी आवाज मिल पा रही है? जब विजय मिश्रा आप अपनी बात पूरी करें।
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उस समय हम लोगों ने कवर किया था कुलदीप सिंह सेंगर को और हम लोग खुद वहां पर थे और हाँ। किस तरह का सहयोग उन्हें मिल रहा था और किस तरह से चीजें वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को पूरी तरह से सहयोग के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे थे, ये सारी चीजें थी। और मैं आपको बता दूं कि अगर मीडिया ने इस खबर को नहीं दिखाया होता, मीडिया ने इस पूरे मामले को नहीं उठाया होता, तो मुझे लगता नहीं कि कुलदीप सिंह सेंगर को मौजूदा सरकार जो है वो सलाखों के पीछे भेज पाती। लगातार पुलिस के मामले को लेकर के लगातार पूरी मनोज जी कुछ कह रहे हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। विधायक का वहां पर किस तरह का कार्रवाई, इस पर कार्रवाई ज्यादा मुस्तैद इसलिए होने की अपेक्षा की जा रही थी कि क्योंकि वहां के वरिष्ठ अधिकारी चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो चाहे पुलिस की हो वो महिला थी, लेकिन लगातार आकांक्षा जिसके वहां के स्थानीय राजनीति हाँ। और कुलदीप सिंह सेंगर का बड़ा वर्चस्व रहा वहां पे, लोकल चुनाव विधायक की बात मैं नहीं करता, जिला पंचायत से लेकर के संसदीय चुनाव से लेकर के और सारी पार्टियां इनके प्रभाव में रही हैं, इनसे मदद लेती रही हैं और ये सभी पार्टियों में कभी न कभी रहे, भारतीय जनता पार्टी से पहले ये अन्य पार्टियों में चाहे बसपा हो सपा हो सबके साथ ये रहे, तो इस घटना को लेकर ठीक है ठीक है। लेकिन राजेश राय जी, जिस तरह से जिक्र यहाँ पर मनोज मिश्रा की तरफ से भी किया गया है, कई बड़ी बातें उन्होंने कही है, लेकिन ऐसे में हमारे संवाददाता की तरफ से भी तमाम बड़ी बातें कही गई, उन्होंने भी कहा कि महिला का दर्द उन्हें समझने की जरूरत थी, लेकिन इस तरह के जो लूपहोल्स नजर आते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि पुलिसिया सिस्टम को दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है? और इसके अलावा जो तमाम अधिकारी हैं, जो विश्वास जनता की तरफ से उन पर किया जाता है, उस विश्वास को और दुरुस्त करने की जरूरत है, ना कि इस तरह के अपराध में ये जो संलिप्त पाए जाते हैं अधिकारी? देखिए ऐसा है कि जो सिस्टम है उसको बड़ा मजबूत है हाँ। सिस्टम तो मजबूत है, सिस्टम हाँ। की मजबूती में कमी नहीं है, सिस्टम में सारी चीजें हैं, सारी बातें हैं, सारे पावर्स हैं हाँ। लेकिन वहां पर जरूरत यह है कि जो अधिकारी बैठा हुआ है उसकी हाँ। संवेदनशीलता का स्तर क्या है हाँ। उसके उसके अंदर जो अपने कर्तव्यों के प्रति जो निर्वहन के लिए जो अंदर से ललक है वो क्या है, वो जिस कार्य के लिए वहां पर गया है लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए, अगर वो उस कार्य के लिए गया है और वहां जाकर के अगर किसी माफिया के प्रभाव में आकर के डर के नाते या किसी और नाते, क्योंकि कोई ना कोई तो और नाता हुआ, जब हमें अपने न्याय जो न्याय के रास्ते पर हम चल रहे थे उस न्याय के रास्ते पर हमको भटकना पड़ा, हमें किसी को फेवर करना पड़ा, तो उस फेवर के पीछे कोई ना कोई तो रीजन था ना, चाहे वो भय रहा हो, चाहे वो ये डर रहा हो कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। और मैंने ये हमेशा, हम लोग भी नौकरी में रहे, हमने काफी नौकरी की जी। और अब रिटायर्ड हैं, लेकिन अगर अगर हमने इस बात के लिए अगर ये हमने तय कर लिया कि नहीं हम यहाँ पर सुनील गावस्कर की तरह से तीन साल लंबी पारी खेलेंगे, तीन साल यहाँ जमेंगे हम, तो हम इस तरह के कंप्रोमाइजेस करेंगे। अगर ये तय कर दिया कि हमको यहीं रहना है, चाहे रहने की कोई भी वजह हो, चाहे हम रिकॉर्ड बनाना चाहते हो या चाहे कोई अन्य हमारा स्वार्थ हो, अगर किसी जगह पे जिले में रहने के लिए आदमी ने अपना मन बना लिया तो फिर वो कंप्रोमाइज करेगा हाँ, और जब वो कंप्रोमाइज करेगा तो उसका नतीजा। राजेश जी, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन इसी बीच मनोज मिश्रा जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए जिस तरह से जिक्र यहाँ पर किया गया है तमाम बड़ी बातों का राजेश राय की तरफ से भी, लेकिन यहाँ पर क्या आपको नहीं लगता कि एक स्ट्रांग एक्शन की जरूरत है? जी बोलिए। मनोज जी आपकी आवाज थोड़ी कम मिल रही है, टेक्निकल इशू है, उसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन विजय मिश्रा, अब देखिए तमाम कोशिशें यहां पर की जा रही है सीबीआई की तरफ से भी, एक के बाद एक नए नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। इससे पहले कई अधिकारियों के नाम सामने आए और अब तीन महिला अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, और भी कई खुलासे इस मामले में हो सकते हैं जो सहयोग करते हुए नजर आएंगे कुलदीप सेंगर के। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी कुलदीप सिंह सेंगर का बहुत सारी चीजें जो है खुलासे हाँ। नहीं हो पाए हैं। यहाँ पर सीबीआई को सिर्फ इस बात की जांच दी गई थी कि इस पूरे मसले की वो जांच करे कि इस पूरे मामले पर अब तक लापरवाही किसकी रही है। अगर हाँ। कुलदीप सिंह सेंगर का पूरा जो साम्राज्य है उस पर अगर सीबीआई हाथ डालती है तो मुझे लगता है कि कुलदीप सिंह सेंगर से बड़ा कोई खनन माफिया उस क्षेत्र में कोई नहीं है। और सिर्फ खनन ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अवैध काम है जो कुलदीप सिंह सेंगर जो है अभी भी जेल के अंदर से इस समय भी करवा रहे हैं। अभी भी कुलदीप सिंह सेंगर की बहुत सारी
गाड़ियां गंगा तट पर लगी हुई हैं और लगातार खनन का काम जो है वो लगातार चल रहा है, जिस पर सरकार भी आंख मूंदे हुए हैं, वहां के प्रशासनिक अधिकारी भी आंख मूंदे हुए, सभी की आंखों के नीचे वो सारा काम हो रहा है, क्योंकि सबका हिस्सा वहां पर बना हुआ है, सबका हिस्सा बटा हुआ है और सब तक पैसे पहुंच रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर भले ही समय जेल में है, लेकिन जेल में रह करके भी अभी भी जो उनका वर्चस्व है उन्नाव में वो लगातार बरकरार है, जो उनका खौफ है उन्नाव में वो लगातार बरकरार है अभी भी सारी चीजें, क्योंकि सिर्फ वो जेल में है, उनके जो गुर्गे हैं, जो उनके आदमी हैं, जो उनके लोग हैं, वो अभी भी बाहर हैं और फोन के जरिए से जेल में उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही है, जेल में वो बाकायदा एक आलीशान जिंदगी बिल्कुल गुजार रहे हैं। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि वहां से बाकायदा इस बात का कनेक्शन उनका बाकायदा उन्नाव के साथ जुड़ा हुआ है कि किस तरह से उन्नाव को अभी चलाना है। ठीक है, शुक्रिया आपका विजय तमाम जानकारी के लिए, और इसी के साथ आप सभी का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ चर्चा के लिए। लेकिन जिस तरह से ये तीन महिला अधिकारियों का नाम अब इस पूरे मामले में सामने आया है, लापरवाही की दोषी ये तीनों ही महिला अधिकारी पाई गई हैं। हालांकि सीबीआई की तरफ से इन तीनों पर ही सख्त कार्रवाई की मांग की गई है, क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे, जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं, शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। कूका तुलसी गिलोय अर्क, इसमें तुलसी के साथ गिलोय भी है, इसका रोजाना इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। कूका तुलसी गिलोय, हमारी इम्यूनिटी के लिए। सवाल का सही जवाब दे और जीते आकर्षक इनाम। सही जवाब देने वालों को मिलेगी ये घड़ी बिल्कुल मुफ्त, जिसकी कीमत है 3,000 रुपए, या पा सकते हैं ये ज्वेलरी भी बिल्कुल मुफ्त, जिसकी कीमत है 2,499 रुपए। आज का सवाल है, इनमें से कौन सा वाहन सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट वेरिएंट में आता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ट्रक, बी कार, सी मोटरबाइक या डी हेलीकॉप्टर। आपको दिए गए सवाल का उत्तर हमें सिर्फ SMS के द्वारा भेजना है। अगर आपका जवाब ए है तो टाइप करें क्विज स्पेस ए, अगर आपका जवाब बी है तो टाइप करें क्विज स्पेस बी, आपका जवाब सी है तो टाइप करें क्विज स्पेस सी, आपका जवाब डी है तो टाइप करें क्विज स्पेस डी, और भेज दें हमें 56161 पर। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक इकाइयां और करोड़ों कामगार आज आत्मनिर्भर होने की राह पर हैं। राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम लागू कर 25 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। श्रमिकों का स्किल मैपिंग कर अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को सूक्ष्म, लघु एवं बृहत औद्योगिक इकाइयों में रोजगार की व्यवस्था की जा चुकी है। जब से मेरा रोजगार यहाँ कंपनी में खुला है, तब से मुझे काम मिल गया, अपने बच्चे लोगों को और अपना पेट पाल ले। आज प्रदेश की 7.97 लाख औद्योगिक इकाइयां क्रियाशील हो चुकी हैं। इनमें से 7.66 लाख MSME इकाइयों को 22,296 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। सरकार के अनुकूल कदमों के फलस्वरूप पेप्सिको ने 800 करोड़ रुपए तक का निवेश करने का मन बना लिया है। इसी प्रकार IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी ग्रेटर नोएडा में 4,000 कर्मचारियों की क्षमता का कैंपस स्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों के व्यवसाय के लिए प्रति दुकानदार प्रति पटरी 10,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है। हर एक श्रमिक की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी लेने के साथ हर हाथ को कार्य मिल सके, हर घर में रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है। सरकार और नागरिकों के इस अनोखे तालमेल से आज उत्तर प्रदेश कोरोना पे विजय पाकर विकास की नई राहें बनाने की ओर अग्रसर हो चला है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द,